हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लैमरस ठिकाना। सो आज की वीडियो किसी भी प्रोडक्ट के रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ ऐसे एसेंशियल प्रोडक्ट शेयर करने जा रही हूँ जिनको आप अपने पर्स के अंदर कैरी कर सकते हैं। ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको मैं अपने पर्स में हमेशा कैरी करती हूँ और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल हैं, तो ये जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ में चैनल ग्लैमरस ठिकाना को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, पर्सनली मैं किन किन प्रोडक्ट को अपने साथ कैरी करती हूँ अपने पर्स में, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर ओपन करने वाली हूँ मैं अपना बैग और आपको बताऊँगी कि मैं अपने बैग के अंदर किन किन प्रोडक्ट को कैरी करती हूँ। अगर मुझे कहीं पर भी बाहर जाना होता है तो मैं किन किन प्रोडक्ट को अपने साथ कैरी करती हूँ। डेफिनेटली आपकी जो एसेंशियल प्रोडक्ट की लिस्ट होगी वो थोड़ी डिफर हो सकती है। आप मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप अपने बैग में किन किन प्रोडक्ट को कैरी करते हैं। सबसे पहले मैं कैरी करती हूँ यहाँ पर सनग्लासेस। अपने आईज को ऐसी धूप से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें सनग्लासेस को ज़रूर कैरी करना चाहिए। इससे हमारी आईज प्रोटेक्ट रहती हैं और हमारा फेस भी कुछ हद तक कवर रहता है। नेक्स्ट हमें चाहिए होता है अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए किसी भी तरीके का मॉइस्चराइज़र। आप मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कौन से कंपनी का मॉइस्चराइज़र अपने साथ कैरी करके रखते हैं। यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा टिंटेड इफेक्ट चाहिए ऑफिस या कॉलेज अगर आप जा रहे हैं, तो आप इस तरीके का मॉइस्चराइज़र अपने लिप्स के लिए चूज़ कर सकते हैं जो आपके लिप्स को हाइड्रेट तो करके रखेगा, साथ में उसको ग्लॉसी भी बनाए रखेगा। यहाँ पर मैं कभी कभी वैसलीन का भी यूज़ कर लेती हूँ जो मेरे लिप्स को 24 आवर्स हाइड्रेट करके रखता है। एंड अगर आप चाहते हैं इसका रिव्यू तो आप मुझको कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली इनके ऊपर एक वीडियोस बनाऊंगी। नेक्स्ट यहाँ पर जो मैं अपने पर्स में हमेशा कैरी करती हूँ वो होता है डिओड्रेंट। समर में मोस्टली हम डिओ ही अप्लाई करते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो पॉकेट साइज डिओ था वो मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ पर इसी को आपके साथ शेयर किया है। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ऑसम है। समर में अगर आप फेस करते हैं ऑडर एंड स्वेटिंग जैसी प्रॉब्लम, तो आप हमेशा अपने साथ कैरी कर सकते हैं पॉकेट साइज डिओड्रेंट जो आपकी इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक दूर करके रखेगा और समर में आपको फ्रेश फील कराएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है सनस्क्रीन लोशन। तो गर्मी हो या सर्दी, हमेशा आपको अपने साथ कैरी करके रखना चाहिए सनस्क्रीन लोशन, क्योंकि कुछ समय बाद इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए आपको सनस्क्रीन लोशन हमेशा अपने साथ कैरी करके रखना चाहिए। इससे आपकी स्किन प्रोटेक्ट भी रहती है। एंड इसको आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। जब कभी भी मैं बाहर जाती हूँ तो मैं अपने साथ हमेशा कैरी करती हूँ हिमालय के जेंटल वाइप्स जो हमारी स्किन को क्लीन करने में हेल्पफुल रहते हैं। तो जब कभी भी आप किसी भी प्रोडक्ट को, अगर आप बाहर गए हुए हैं तो अगर आपको सनस्क्रीन लोशन अप्लाई करना है, तो सबसे पहले अपने फेस को इस जेंटल वाइप की हेल्प से क्लीन कर लीजिए। एंड उसके बाद आप ये सनस्क्रीन लोशन अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड इससे भी पहले आपको क्या स्टेप फॉलो करना है वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। एंड फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर मैं हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ कॉम। मे बी आपके एसेंशियल प्रोडक्ट की लिस्ट में ना हो, आप मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कौन कौन से एसेंशियल प्रोडक्ट अपने पर्स में हमेशा कैरी करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को फेस पर अप्लाई करने से पहले अगर आपके पास वाटर अवेलेबल नहीं है, आप हैंड वॉश नहीं कर सकते, तो ऐसे में हमें हमेशा अपने साथ रखना चाहिए सैनिटाइजर, जिससे हमारे जो जर्म्स होते हैं हैंड के वो 99.9% किल हो जाते हैं एज इट सेज। तो यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट को अप्लाई करने से पहले आप थोड़ा सा अमाउंट सैनिटाइजर का ले लीजिए, उसको अपने हैंड्स पर अच्छे तरीके से अप्लाई कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपके हैंड्स पर जो लगे हुए जर्म्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। एंड उसके बाद आप इजीली कोई भी प्रोडक्ट को अपने फेस पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इन प्रोडक्ट में से आप अगर किसी का भी रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। लास्ट विच आई कैरी विद मी इज मिरर। अगर आप मिरर नहीं कैरी करना चाहते तो इट्स ओके, क्योंकि आजकल के तो मोबाइल इतने स्मार्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पर अगर आप मिरर को भूल भी जाते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप अपना मोबाइल ओपन कीजिए एंड फ्रंट कैमरा में अपने फेस को देख लीजिए। एंड नेक्स्ट यहाँ पर मैं अपने साथ हमेशा कुछ मनी कैरी करके चलती हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ मनी कैरी किया हुआ है। एंड साथ में ही अगर आप मनी को कैरी करना नहीं चाहते, इसको आप सेफ नहीं समझते, तो आप कोई भी अपना कार्ड वगैरह भी कैरी कर सकते हैं। सो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे जो मैं हमेशा अपने साथ अपने पर्स में कैरी करती हूँ। आप मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप अपने पर्स में कौन से प्रोडक्ट कैरी करना चाहते हैं। एंड यस, इसी के साथ एक प्रोडक्ट रेड चिली स्प्रे, आप उसको भी कैरी कर सकते हैं फॉर द सेल्फ प्रोटेक्शन। सो आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।